समय हम आपको सीधे लिए चलते हैं रायबरेली, सुनते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जो कह रहे हैं कि दीवार दीवार से निकल रहा है काला धन। मैं आप सबका अभिनंदन करूंगा जिन्होंने वैक्सीन लगा दी है, लेकिन मेरी अपील होगी जो लोग वैक्सीन नहीं लिए हैं वे वैक्सीन जरूर ले लेंगे। ये वैक्सीन कोरोना से बचाव का एक सर्वोत्तम उपाय है, कोरोना का कवच है। कोरोना की तीसरी लहर के बारे में चर्चाएं आ रही हैं, घबराने की आवश्यकता नहीं। केंद्र और प्रदेश सरकार आपके साथ में है, हमें केवल सावधानी और सतर्कता के साथ शासन के बताए गए नियमों का पालन करना है। कोरोना आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा, ये सरकार आपके साथ में है। लेकिन भाइयों बहनों, डबल इंजन की सरकार है तो डबल डोज राशन का भी गरीबों को उपलब्ध करवाने का कार्य हो रहा है। पहले यही राशन पहले समाजवादी पार्टी के नेताओं के घर में पहुंच जाता था और वहां से फिर से ब्लैक होकर के किसी देश में पहुंच जाता था। 2017 के पहले गरीब को राशन नहीं मिल पाता था। 2017 के पहले प्रदेश की योजनाओं का लाभ गरीब को नहीं मिल पाता था। आप देखना, अभी कल से फिर से हम जो कार्यक्रम प्रारंभ कर रहे हैं, कल 2,54,00,000 किसानों के खाते में 2,000 रुपए हर किसान के खाते में कल आएगी। तीन तारीख को यानी 3 जनवरी को लगभग 4.5 करोड़ श्रमिकों के खाते में 1,000 की राशि आएगी। नोट करते रहिए, मैं बता रहा हूं। 5 जनवरी को 1 करोड़ निराश्रित महिलाएं, वृद्धजन और दिव्यांगजनों के खाते में 1,000 रुपए की राशि पेंशन की उनके खाते में उपलब्ध करवाएंगे। हमने उनकी पेंशन की राशि को दुगना कर दिया है। उत्तर प्रदेश में सरकार अच्छी चल रही है तो फिर उस अच्छी सरकार का लाभ गरीब को मिलना चाहिए, विधवा महिलाओं को मिलना चाहिए, वृद्धजनों को मिलना चाहिए, दिव्यांगजनों को मिलना चाहिए। और भाइयों बहनों, कोरोना प्रबंधन में सरकार के कार्यक्रम को मजबूती के साथ लागू करने वाले आंगनबाड़ी, आशा बहने, एएनएम, इनके मानदेय को भी सरकार ने बढ़ाने का निर्णय लिया है। आज हमने इस बारे में कहा है, आशा बहनों के साथ आज प्रातःकाल ही मेरा कार्यक्रम था और मैंने वहां पर उनके बेहतरीन मानदेय को आगे बढ़ाने की कार्रवाई को आगे बढ़ा दिया है। जो लोग जनता के लिए कार्य करेंगे सरकार उनके साथ खड़ी होगी, सरकार हर प्रकार की मदद उन्हें देगी। और आज यही कहने के लिए हम लोग आपके बीच आए हैं कि भाइयों बहनों, लोक कल्याण का कार्य हो या फिर बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बड़े बड़े कार्यक्रम, जहां मेडिकल कॉलेज नहीं वहां मेडिकल कॉलेज स्थापना की कार्रवाई, जहां पे एम्स नहीं वहां एम्स की कार्रवाई।